हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मैं एक एक्स स्टैम्परर रह चुका हूँ। मैंने अपनी स्टैम्परिंग 99% तक ठीक की है, तो अभी मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो स्टैम्परिंग में ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल इशू है, तो इससे घबराना नहीं। पहली बात तो यही है कि कभी भी इसको लेके सिर पेट अपने टेंशन ना लें, डिप्रेशन में ना जाएं। ये एक तरह का इशू है जो ठीक हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल इशू है। तो माइंड को समझाना इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आपको अपने माइंड को समझाना ज़रूरी है कि स्टैमरिंग ऐसा कुछ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। ये हो सकती है, होगी और मैं करके दिखाऊंगा। इसी टाइप का एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट मैंने भी अपने लिए किया था, तो उस वजह से मेरी स्टैमरिंग ठीक हो पाई। दूसरी बात यह है कि कभी भी अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें। चाहे आपके सामने आपके टीचर हो, बॉस हो या कोई भी बड़ा इंसान हो, कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। दूसरी बात, तीसरी बात आती है कि कभी कभी आप कहते हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि हम ज़्यादा स्टैमरिंग होती है, हकलाहट ज़्यादा होती है, तो उस समय रुक जाएं एक सेकंड के लिए, गहरी सांस नाक से लें और धीरे से वो लेटर बोलते हुए स्टार्ट करें। तो अगर इन बातों को आप फॉलो करेंगे और अपने माइंड की काउंसलिंग या अपने माइंड से जो आप बातें करते रहेंगे, जैसे सपोज़ कई बार पहले मैं ये करता था कि मैंने किसी से बात की और वहाँ मुझे स्टैमिंग ज़्यादा हो गई, तो वो टाइम पे फिर मैं क्या करता था कि मैं अपने माइंड से बाद में बात करता था कि भाई देखो, मैंने आज जल्दी बोलने का ट्राई किया, स्पीड में बोलने का ट्राई किया, तो स्टैमिंग ज़्यादा हो गई। तो यही एक बात होती है। तो अपने माइंड की काउंसलिंग करते रहेंगे, माइंड को समझाते रहेंगे कि जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे से बात करनी है। सब आम लोग हैं, कोई स्पेशल एलियन नहीं है, कोई आसमान से नहीं उतरा है। सब लोग मेरी तरह एक ह्यूमन बीइंग हैं, चाहे वो ओल्ड एज के हैं, यंग हैं, जो भी हैं, बच्चे हैं, सब अपने टाइप के लोग हैं। तो घबराने का नहीं है और जल्दी बोलने का ट्राई ना करें। कोशिश करें मन को आराम करके, मन को शांत करके, और टेंशन ज़्यादा हो रही है और नर्वसनेस ज़्यादा हो रही है, तो गहरी सांस नाक से लें, मुँह से छोड़ें। आराम से करें और इससे माइंड, वोकल कॉर्ड सबको आराम मिलता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ गाना वाना आपके मन में अगर गुनगुनाते रहेंगे तो उससे भी क्या है, माइंड थोड़ा शांत रहता है। तो ये चीज़ें मैं भी ट्राई करता था जब मुझे स्टैमिंग ज़्यादा होती थी, कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ तो मन में कोई गाना मेरे चल रहा है, मैं उसको मन में गा रहा हूँ ऐसे करके, और जब भी मैं किसी से बात करता था, थोड़ा स्माइल देके बात करो। स्माइल नहीं तो मतलब एक अंदर, एक भले फेस पे स्माइल ना आए, बट एक अंदर से एक माहौल वो रहे शांत वाला, कि कोई बड़ी बात नहीं, मैं बात कर सकता हूँ, अभी आराम से बात हो जाएगी। जब साइकोलॉजिकली आप माइंड को जब ऐसा करके जब प्रिपेयर करेंगे और बात करेंगे, तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं है, बस ढूंढना हमें है। और कुछ बातें ऐसी भी हैं कि आप किसी से दूर ना जाएं, भागे ना, भाई कोई मुझसे बात करने आ रहा है तो उससे बात करें, आराम से करें, और कुछ भी टेंशन ना लें उस समय। आपको अपना प्रोसेस फॉलो करना है, बस इतना याद रखना। अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो स्टैमिनिंग कहीं भी नहीं होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं भी काफ़ी अच्छे से बात कर पा रहा हूँ या मेरी बात हो रही है। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ लाइव लोगों से बात करके आपको दिखाऊंगा वहाँ मैं कैसे बात करता हूँ, कैसे मेरी उनसे बात होती है। तो वो लाइव सेशन आप जब देखेंगे तो आपको और अच्छा एक आइडिया मिलेगा कि पब्लिक में जब मैं बात करता हूँ तो किस तरह का प्रोसेस मेरा फॉलो, मेरा जो मैं करता हूँ उसमें क्या डिफरेंस आता है। तो उसको आपको देखकर और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि लोगों से जब बात करें तो घबराए ना और टेंशन फ्री होकर आराम से बात करें। कई बार मैं बैंगलोर में जब रहता था तो बस में जाता था, तो बस के जो कंडक्टर कहते थे जल्दी से बताओ भाई कहाँ जाना है। मैं उनको ये कहता था, मैं आराम से बात करूँगा सर, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं आपको आराम से बताऊँगा। तो पहले तो वो लोग थोड़ा, उनको मेरी बात समझ नहीं आती, तो थोड़ा वो लोग जल्दी जल्दी करते थे, बट जब उन्हें पता मैं एक ही रूट पे जब जा रहा हूँ आ रहा हूँ, तो वो टाइम पे फिर वो लोग समझ गए कि ये जो उसको थोड़ा बोलने का इशू है, तो ये धीरे बोलने का ट्राई कर रहा है। और फिर जब आप अपनी हेल्प खुद करना चाहते हो तो लोग भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अब पहले आप खुद के लिए आप एक
साइकोलॉजिकल एक माइंड में कुछ अपना जो काउंसलिंग है या वो अपना अपना प्रोसेस जो है फॉलो करते रहेंगे, माइंड की काउंसलिंग करते रहेंगे, और अपने लिए एफर्ट अगर खुद आप ट्राई करेंगे तो लोग भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराएं ना। मेरा एक स्टैमरिंग व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है जहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप की टिप्स हम लोग वो करते हैं, शेयर करते हैं जो लोग ठीक हो गए हैं। और दूसरा है कि आप नीचे यूट्यूब में भी नीचे जो कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी क्वेरी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं अभी तो कोई ऐसा कोई जल्दी नहीं, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाने का ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको जब लगे तब आप उस ग्रुप में आइए, और तब तक अगर आपको कुछ पूछना है तो यूट्यूब में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दूसरा, मेरा ये जो चैनल है यूट्यूब पे, इसको आप सब्सक्राइब अगर करते रहेंगे या आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है तो उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि मेरे अपडेटेड वीडियो जब आएंगे तो आप उनको फौरन देख पाएंगे, और उसमें मैं नई नई जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं उसके आंसर मैं देने का पूरा मेरा ट्राई होता है कि मैं उसका आंसर ढंग से दे पाऊँ और आपको समझा पाऊँ कि वो सिचुएशन में आप कैसे डील करके या कैसे धीरे बोलने का जो प्रोसेस को फॉलो करके कैसे ठीक हो सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर मेरी स्टैमिनिंग ठीक हो सकती है तो किसी की भी ठीक हो सकती है, क्योंकि मेरी भी स्टैमिनिंग बहुत ज़्यादा थी, मैं अपना नाम तक नहीं बोल पाता था, और ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल ही परेशान घबरा जाता था कि मैं क्या बोलूँ क्या करूँ, और गुस्सा भी आता था कि भाई क्यों नहीं भाई बोल पा रहे हैं, सब लोग अच्छा बोल पा रहे हैं, मेरे में ऐसी क्या खामी है। तो खामियाँ कुछ नहीं है, एक साइकोलॉजिकल माइंड में वो था। तो क्लास 2 से मेरे को ये इशू था, उस तो क्लास 2 में जब मेरे को ये इशू था तो उसमें यही होता था कि मैं पढ़ने में थोड़ा वीक था, मैं स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं था, तो जब कॉन्फिडेंस लेवल मेरा काफ़ी डाउन था, ऊपर से स्कूल में टीचर का भाई तुम्हारे जो मतलब आपका जो बेटा है उसके पढ़ने में वीक है, इसको कुछ समझ नहीं आता है, टीचर का जो प्रेशर था, फिर घर में प्रेशर था क्योंकि मम्मी भी मेरे स्कूल टीचर हैं, तो ऑब्वियसली उनको ये लगता है कि मैं सबको टीचिंग करती हूँ, मेरा ही जो है बेटा वो पढ़ने में इतना होशियार नहीं है। ठीक है, उनको भी पता है कि पांचों उंगलियाँ इक्वल नहीं होती पढ़ने में, हर कोई बहुत होशियार नहीं होता, बट मैं एवरेज से भी थोड़ा डाउन था, तो फिर प्रेशर था पढ़ाई का, फिर तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा पूरा डाउन था उस समय, और सेकेंड क्लास के बच्चे का वैसे ही इतना अगर कॉन्फिडेंस डाउन है तो उसको स्टैमिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर वो टाइम पे तो ये था कि फिर बच्चे क्लास में हंसी मजाक करते थे, टांग खींचते थे, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में ऐसे करके, तो फिर मैंने गलती की, मैंने बोलना ही छोड़ दी। उस समय कोई ज्ञान देने वाला था नहीं, तो जब उस समय कोई ज्ञान देने वाला था नहीं तो किसी ने ये समझाने की कोशिश ही नहीं की कि भैया कि जितना कम बोलोगे जितना लोगों से दूर भागोगे ये चीज़ें ये स्टैमिना ठीक नहीं होगी और बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे बड़े हुए फिर और लोगों ने जब बड़े हो जाते तो जब ये चीज़ें ठीक होना थोड़ा हार्ड हो जाती, लोग ऐसा कहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल चीज़ है। जितना अपने माइंड से बात करोगे काउंसलिंग करोगे समझाते रहोगे चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो फिर यही हुआ कि जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में भी काफ़ी इश्यूज थे, जब कॉलेज से मैं जब पास आउट हुआ और जब मैं जॉब के लिए जब गया वो टाइम पे मेरे को भी स्टैम्पिंग बहुत ज़्यादा होती थी, मैं कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा था, इश्यूज़ आते थे, बड़ी मुश्किल से एक इंटरव्यू क्लियर हुआ, नौकरी मिली, जब पैसे आए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हुई, अब हमारी जॉब लग गई है, छोटी मोटी जॉब थी, सैलरी ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो बट ठीक है कोई बात नहीं। तब अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि अब मुझे स्टैम्पिंग ठीक होनी है, मुझे करके दिखानी है। मैंने अपनी माइंड की काउंसलिंग बहुत की, समझाया अपने को भाई कुछ नहीं अंकुर, कुछ नहीं ऐसी बड़ी बात, दुनिया में सब जैसे नॉर्मल बात करते हैं मैं भी नॉर्मल बात कर सकता हूँ, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, ब्रीदिंग की इनहेल और एक्सहेल की जो एक्सरसाइज है उसको करते रहो, परेशान मत हो, लाइफ में हज़ार तरह की प्रॉब्लम्स हैं बट सॉल्व हो सकती हैं, अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ ठीक करनी है तो वो ठीक होके रहेगी, क्यों नहीं होगी भाई, जब डेडिकेशन से आप काम करो पैशन से काम करो तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो उसी तरह का डेडिकेशन मैंने अपने माइंड को समझा के किया, जब मैं गलती करता था मैं अपने आप से बात करता था, मैं शीशे के सामने खड़ो के घर में बात करता कि आज सुबह उठ के मैं जब ऑफिस जाऊँगा या रास्ते में किन किन लोगों से भी बात करूँगा तो उनसे मैं आराम से बात करूँगा, प्रोसेस मेरा रहेगा कि मुझे धीरे बात करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और सांस लेके धीरे से बोलते हुए स्टार्ट करना है। तो ये सब प्रोसेस मैं फॉलो करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, दिन में 10 बार 15 बार जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं प्रैक्टिस करता था, और ऐसे करते 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 चीज़ें ठीक होने लगी। फिर मैंने अपनी एक डर की लिस्ट भी बनाई थी कि मेरा ये टाइप का डर है, मुझे लोगों से बात करने का डर है, मुझे स्ट्रेंजर लोगों से बात करने का ज़्यादा होता है डर होता है, या मुझे भीड़ में या बहुत सारे लोग उनके बीच में मुझे बोलने में बड़ा इशू आता है,
तो ऐसे करके मैंने डर की लिस्ट बनाई कि क्या क्या मेरा डर है। जब तक डर नहीं पता होगा, जब तक प्रॉब्लम ढंग से पता नहीं होगी, तो उसका सोल्यूशन कहाँ से आएगा। तो बात को समझने की कोशिश करो कि अपने डर की लिस्ट बनाओ, फिर एक एक करके उस पर काम करना स्टार्ट करो, एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो, और फिर एक अपने माइंड को समझाओ कि अब मुझे एक इनिशिएटिव लेना है। इनिशिएटिव मतलब मुझे लोगों के बीच में जाके बात करनी। तो सैटरडे संडे जब मेरी छुट्टी होती, तो मैं सैटरडे को कॉल सेंटर का, मेरे आसपास कंपनी होती तो वहाँ मैं जाता था, लोगों से बात करता था कि भाई साहब आप यहाँ पर इंटरव्यू देने कॉल सेंटर का आए हो, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कैसा है, क्या नहीं है, तो वो सब चीज़ें होती। और फिर मैंने भी वो ट्राई किया, तो पहले राउंड में, दो राउंड में मैं फेल हुआ, मुझे नहीं हुआ, मैं अपना इंटरव्यू तक दे नहीं पाया। तो ऐसे करके प्रॉब्लम्स आई, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। इसमें सबसे अच्छी बात है, अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे, लगे रहोगे, तो वो स्टैम्पिंग ठीक हो सकती है। तो वही है कि मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी, मैंने मेरा दो चार बार फेल हुआ, फिर ऐसे करके करीब 15-16 बार फेल हुआ। उसके बाद फिर जब लोगों के बीच बात करता था, तो मेरा जो डर था लोगों से बात करने का, वो ख़त्म होने लगा। दूसरा, फिर जब इंटरव्यू देता था, तो फिर करते करते पहला राउंड क्लियर हुआ। जो आपका इंट्रोडक्शन राउंड होता है, उसमें वो पूछते हैं आपने अपने बारे में बताइए, आपने क्या पढ़ाई की है, क्या कोर्स किया, क्या एक्सपीरियंस है, वो बताइए। तो वो क्लियर हुआ, वो जब राउंड क्लियर, तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हुआ भाई, अरे वाह, हमने तो ये भी क्लियर कर लिया भाई, अपन में तो कुछ बात है भाई, अपन ऐसे ही नहीं है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जब बिल्ड हुआ, फिर हमने सेकेंड राउंड जब गए, वहाँ पर 4 लोग आपस में होते हैं, वो आपस में करते हैं लाइक अ ग्रुप डिस्कशन होता है। तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम आई, वहाँ मैं 4 लोगों के सामने बोल ही नहीं पा रहा, आवाज़ बैठ ही गई अंदर, आवाज़ ही नहीं आ रही निकल के। भाई मैंने कहा यार, ये भी एक वो फियर है या एक प्रकार का डर है, जो ग्रुप में बात नहीं हो पा रही है, तो इस पर काम करते हैं। फिर हमने इस चीज़ पर मतलब काम करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस की, सब किया। फिर अपने जो फ्रेंड्स थे ऑफिस में, उनसे कुछ लंच टाइम में कुछ टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट किया धीरे धीरे, अपने बोलने का, किसी भी टॉपिक को उठा लो, उस पर बात करना स्टार्ट कर दो, या फिर काम से रिगार्डिंग कुछ है उस पर डिस्कशन। तो एक ऑफिस में मैंने एक माहौल क्रिएट किया, तो मैंने इनिशिएटिव मान लिया। फिर मैंने जो कॉल सेंटर में होते थे, उसमें पहले फर्स्ट राउंड क्लियर किया, जो इंट्रोडक्शन राउंड होता है वो क्लियर किया, फिर ग्रुप डिस्कशन राउंड है वो क्लियर किया। तो ऐसे करके वो राउंड भी क्लियर होना स्टार्ट हो गए। ऐसे करते करते कितने इंटरव्यूज दिए, उसके बाद में जाके मैं किसी भी कॉल सेंटर में इंटरव्यू में जाऊँ, वो हर इंटरव्यू मेरा तीसरा चौथा राउंड शाम के 4 बजे तक, वो 4-5 राउंड मेरे होते थे, और मैं क्लियर होकर बाहर आता था, ऑफर लेटर मेरे हाथ में होता था। बट मुझे ज्वाइन नहीं करना था, मुझे तो सिर्फ अपना डर दूर करना था, कि लोगों से बात करने का, ग्रुप में बात करने का, या फिर मुझे बोर्ड पे चौथे राउंड में मुझे बोलते हैं कि आप यहाँ बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, इसमें आपने अपना कैरियर में क्या क्या किया, आप एक फ्लोट डायग्राम के थ्रू बताओ कि स्कूलिंग में आपने क्या क्या स्टडीज़ की, किस सब्जेक्ट में आप अच्छे थे या जो भी था। या फिर वो बोलते थे कि ये कॉल सेंटर में जब कॉल आती है, जब कस्टमर कॉल करता है, तो कैसे आप उससे वो करोगे, बात करोगे, उसको फ्लो की फॉर्म में आप मुझे कुछ एक्सप्लेन करो, बताओ। तो एक तरह का एक स्मॉल प्रेजेंटेशन होता है, तो वो आपको वहाँ पर उनको समझाना था। उनको उन्होंने कोई भी टॉपिक दे दिया, उन्होंने बोला कि आप जैसे कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर आपके थ्रू होता है, या फिर आप कहीं पर कुछ ये जी आपका रेलवे टिकट की वो करते हो, तो फ्लो क्या होता है, कैसे फ्लो होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बताओ। मतलब प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ टॉपिक बोलना था, तो वो भी था एक डर था, तो वो भी धीरे धीरे करते करते ठीक होने लगा। उस पर प्रैक्टिस की, घर पे प्रैक्टिस की, सब जगह ऑफिस में एक प्रैक्टिस की। तो जो जो डर है उसकी लिस्ट बनाओ, उस पर काम करो, और चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो घबराने का बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मैंने की है। आप मुझसे बात करो, मैं आपको बताऊंगा आपकी प्रॉब्लम का या सिचुएशन को डील करने का कैसे हो सकता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। तो और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। तो उसमें हम ऐसे ही सब लोग स्टैमरर, एक्स स्टैमरर रह चुके हैं, कुछ लोग अभी ठीक हो रहे हैं, और वहाँ पर वीडियो कॉलिंग भी होती है, सब कुछ होता है, जैसे जैसे टाइम हो पाता है। सबका टाइम, हर इंसान का टाइम उस पर सूट नहीं हो पाता है, सब लोग नहीं आ पाते हैं, तो जैसा हो पाता है वैसी चीज़ें की जाती हैं। लोग अपने क्वेश्चन पूछते हैं, हम उसका आंसर देने का पूरा ट्राई होता है। जब मैं फ्री होता हूँ, तो लोग मुझे कॉल करके मुझसे बात बात भी हो जाती है, तो जैसा होता है टाइम वैसे हिसाब से बात हो जाती है। तो स्टैमरिंग को लेके घबराए ना, अगर आप घबरा गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए, तो वो प्रॉब्लम आप पे और हावी हो जाएगी। तो हावी नहीं होने देना बॉस, आराम से प्रॉब्लम को समझो, लिस्ट बनाओ, एक एक करके वो चीज़ को उठाओ,
उस पर काम करो, प्रोसेस फॉलो करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो और फिर इनिशिएटिव लो कि भैया मुझे अब इस पर इनिशिएटिव लेना है। जैसे मैंने बताया कॉल सेंटर का मैंने एग्जांपल दिया जो मैंने किया, इवन जैसे हर राउंड में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे थे उसको मैंने कैसे रिजॉल्व किया, तो ऐसे करके तो आपकी भी ठीक हो जाएगी। प्रोसेस को फॉलो करो, सब चीज़ ठीक हो सकता है, कोई ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही के लिए अच्छा है। मेरे जो आने वाले वीडियोस में मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि आप कैसे स्टैमरिंग से रिगार्डिंग ठीक हो सकते हैं। ये एक एक्स स्टैमर मैं रह चुका हूँ तो मुझे पता है कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की लाइफ में। क्या पता आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग हो या सेम हो तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो घबराओ मत, परेशान मत हो, लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, हो सकता है, यू कैन डू इट। थैंक यू फ्रेंड्स।